जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं धनतेरस की रोचक कथा। धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है? आज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि, शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। लेकिन धनतेरस से जुड़ी कई कथाएं हैं, जिनसे पता चलता है कि दीपावली से पहले धनतेरस क्यों मनाया जाता है और धनतेरस का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इन कथाओं से यह भी आप जान जाएंगे कि धनतेरस को धन 13 गुना करने वाला क्यों कहा जाता है। इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले मनाते हैं धनतेरस। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के प्रसार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। जब धनतेरस पर हुआ धन 13 गुना, धनतेरस से जुड़ी एक दूसरी कथा है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के लिए भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है, वो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पगभूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में से रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने 1 पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। 3रा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। बलि ने अपना सिर वामन पर रख दिया, भगवान के चरणों में रख दिया और बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई।
इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।